टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज हो चुका है, जिस बीच सभी की नजरें टिकी हुई है महामुकाबला यानी कि भारत पाक मैच पर। लेकिन मुकाबले से पहले कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें से पहला सवाल है, क्या इस मुकाबले में न्यूयॉर्क की पिच बन सकती है विलेन? वहीं दूसरा सवाल, क्या इस मुकाबले से पहले इस्तेमाल होने वाली पिच बदली जाएगी? वहीं तीसरा और आखिरी सवाल है, अगर पिच बदली गई तो इसका क्या असर हो सकता है? इन सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच 9 जून को न्यूयॉर्क में मैच खेला जाएगा। टी20 विश्व कप 2024 के इस महामुकाबले का फैंस को भी काफी बेसब्री से इंतजार है। नमस्कार, मैं तान्या त्यागी। टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला 9 जून को होना है। इस मुकाबले से पहले सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है न्यूयॉर्क की पिच बन गई है। खबरें हैं कि जिस 22 गज की पट्टी पर भारत पाकिस्तान का महामुकाबला होगा, उससे खिलाड़ी खुश नहीं है। यहां तक कि टीम इंडिया ने तो निजी तौर पर इस पिच की शिकायत भी दर्ज कराई। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने भारत पाकिस्तान मैच की पिच बदलने का बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पाकिस्तान का मैच उसी पिच पर होगा जिसमें आयरलैंड से मुकाबला हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और इसकी वजह है पिच का बर्ताव। जी हाँ, क्योंकि इससे पहले मुकाबला भारत और आयरलैंड के बीच खेला गया, इस दौरान पिच की गति आसमान छूती हुई थी। इस वजह से कई खिलाड़ियों के शरीर पर गेंद के कारण चोट लगी। कप्तान रोहित शर्मा को तो रिटायर्ड हर्ट ही होना पड़ा। वहीं ऋषभ पंत की एल्बो में गेंद लगी। सिर्फ भारतीय खिलाड़ी ही नहीं, यहां तक कि कई और खिलाड़ियों को भी, आयरिश खिलाड़ियों को भी शरीर पर चोट लगी। कुल मिलाकर ये पिच खिलाड़ियों के लिए सेफ साबित नहीं हुई। इस पिच पर खिलाड़ियों को अनसेफ फील हुआ। यही वजह है कि इस पिच पर अब भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। आपको बता दें, न्यूयॉर्क में इस्तेमाल होने वाली पिच एडिलेड में बनाई गई है। न्यूयॉर्क में ड्रॉपिंग पिच का इस्तेमाल हो रहा है, जिसे एडिलेड में बनाकर फ्लोरिडा लाया गया और फिर उसे न्यूयॉर्क में लगाया गया। ऐसी 4 पिच है जो न्यूयॉर्क में इंस्टॉल की गई है। बड़ी बात तो ये है कि न्यूयॉर्क में खेले गए सभी मुकाबले लो स्कोरिंग हुए हैं। भारत बांग्लादेश के वार्म अप मैच में बेशक टीम इंडिया ने बड़ा स्कोर बनाया हो, लेकिन उसमें भी पिच का बर्ताव अजीब था। इसके बाद श्रीलंका की टीम न्यूयॉर्क में सिर्फ 77 पर सिमट गई और वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने रन चेस करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, इसके बाद आयरलैंड की टीम भी सिर्फ 90 रन ही बना पाई। जाहिर है, इस तरह की पिच पर भारत पाकिस्तान का मैच कोई नहीं चाहेगा। भारत पाकिस्तान का मैच दुनिया का सबसे हाई वोल्टेज क्रिकेट मैच माना जाता है, जिस पर करोड़ों लोगों की नजरें टिकी होती हैं। ऐसे में अगर पिच की वजह से किसी भी टीम को नुकसान होता है तो खेल का कतई कोई सही मतलब नहीं माना जाएगा। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।